देखिए उद्देश्य तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ लोग मंदिर जाते हैं भगवत दर्शन के लिए, तो कुछ मंदिर जाते हैं कुछ मांगने के लिए, कुछ मंदिर जाते हैं केवल प्रसाद के लिए, तो कुछ मंदिर जाते हैं चप्पल चुराने के लिए। उद्देश्य तो सबका अलग अलग हो गया। तो वैसे ही कथा में अगर 1 लाख श्रोता आए हो तो उन 1 लाख का ही उद्देश्य हो सकता है अलग अलग। लेकिन एक मूल चीज जो आज के समय में जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, एक अंग्रेजी में कहावत है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इज हंगर। सबसे बड़ी परेशानी दुनिया में भूख है। लेकिन भूख कौन सी? नॉट द हंगर ऑफ स्टमक बट द हंगर ऑफ हार्ट्स। भूख है, तड़प है, लेकिन पेट की नहीं। ये जो हृदय में, जो मन में हमारे अशांति फैली हुई है। एक हमारी शायद यजमान परिवार से ही है कोई, जिन्होंने कहा था मन की शांति। इस दुनिया में हमको सब चीज मिली है, खाना है, कपड़ा है, मकान है, फोन है, गाड़ी है, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी जब हमारी मृत्यु हुई, मरने के बाद कुछ अपने लोग इकट्ठे हुए श्रद्धांजलि देने के लिए, तो हाथ जोड़ के सबने एक ही चीज बोली। क्या बोला? मृत्यु के बाद क्या बोलते हैं? भगवान इनकी आत्मा को शांति, भगवान इनकी आत्मा को वहां जाके भी एक फैक्ट्री लगा देना, ऐसे तो कोई नहीं बोलता। भगवान वहां जाके भी आप इनका धंधा बनाए रखना, ये भी कोई नहीं बोलता। सब एक ही बात बोलते हैं, भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, क्योंकि उनको पता है सब चीज धंधा इसको धरती पर मिला, पैसे भी मिले, नौकर चाकर भी मिले, लेकिन अगर कोई चीज नहीं मिली तो वो थी शांति। इसलिए भगवान जब ये आपके चरणों में आए तो कम से कम वहां इनको शांति दे दे। पहला उत्तर तो ये हो गया कि हम सबको कहीं ना कहीं कथा से शांति चाहिए। सत्संग हम जाते हैं ताकि हमको शांति की प्राप्ति हो, लेकिन शांति मिलेगी कहाँ? शांति चाहिए, पीस चाहिए जीवन में, ये तो समझ आया, लेकिन मिलेगा कहाँ? एक कोई वृद्ध माता जी, उम्र में बहुत बूढ़ी है, और खड़े होकर के मुंबई में, इस भयंदर में खड़े होकर के अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रही है। तो वहां से एक दूसरा यात्री निकल के जा रहा था, उसने पूछा कि माता जी क्या बात है, आप कुछ ढूंढ रही हो क्या, कुछ खोया है क्या आपका? बोले हाँ भैया, मेरी ना हाथ की अंगूठी खो गई, सोने की अंगूठी खो गई। अच्छा माता जी, हो सकता आपकी तो उम्र भी बहुत है, चल फिर भी नहीं पा रही होंगी, आंख से भी इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप जरा मुझे बता सकती, मैं आपकी अगर मदद करूं? बोले हाँ हाँ भैया, बिल्कुल करो। तो अच्छा माता जी, कोई आपको ऐसा कुछ आइडिया है कि आपकी अंगूठी कहाँ गिरी थी? घर में अंदर काम कर रही थी तब गिरी थी, या बाहर किसी काम से आई थी तब गिरी थी, कहाँ गिरी थी? तो माता जी उत्तर देती है कि 1 महीने पहले जब मैं दिल्ली में घूमने गई थी ना, तो दिल्ली में लाल किले पर गिरी थी। राहगीर कहता है, माता जी कैसी बात करती हैं, आपकी अंगूठी गिरी दिल्ली में और आप ढूंढ रही हो मुंबई में, क्या अंगूठी मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती, चाहे जी जान लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी अंगूठी खोई ही नहीं है। जहाँ खोई है शायद वहाँ ढूंढोगे तो प्राप्त होगी। वैसे ही शांति वास्तविकता में जहाँ हम ढूंढते हैं, हम क्लब्स में गए, हम पब गए, हम पार्टी गए, हम थिएटर गए, हमें क्या लगा शांति यहाँ मिलेगी, लेकिन वहाँ शांति मिली ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ खोई ही नहीं थी।
जहां से गायब हुई वहीं जाकर के मिलेगी। और एक बात याद रखिएगा, आप थिएटर जाएंगे वहां 3 घंटे तो आपको सुख मिलेगा, लेकिन उसके बाद जब बाहर आएंगे आप तो पुनः वापस उसी चक्र में घूमने लगेंगे, उसी दुख में घूमने लगेंगे। इसलिए जीवन में अगर शाश्वत शांति चाहिए तो केवल और केवल भगवत चरणों से प्राप्त हो सकती है। यही वो स्थान है जहां पर वास्तविक शांति की प्राप्ति हो सकती है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।